वो है दरअसल स्टैंप ड्यूटी पर एक बड़ा रिफॉर्म किया गया है। तो आज से आप देखिए कैपिटल मार्केट में सौदा एक समान स्टैंप ड्यूटी अट्रैक्ट करेगा। आज से पूरे देश में एक दर पर स्टैंप ड्यूटी लगने वाली है। इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी, बॉन्ड्स, इन सब पर स्टैंप ड्यूटी दरअसल पहले अलग अलग लगती थी और अब एक ही लगने वाली है। इसको बाजार किस तरह से देखेगा, अब क्या होगा, खूब चर्चा हो रही है कल से। इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ ओमकेश्वर सिंह साहब जुड़ चुके हैं, रैंक म्यूचुअल फंड के हेड हैं। ओमकेश्वर साहब स्वागत है, बताइए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा इससे? जी अमन जी, इसमें जो मेजर जो इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है वो डेट साइड में ओवरनाइट फंड्स और लिक्विड फंड्स में पड़ेगा। अगर आप हर महीने का इनफ्लो देखो तो करीब 92% जो इनफ्लो आता है वो डेट साइड में वो इन फंड से ही आता है, ओवरनाइट से और लिक्विड से। अराउंड ओवरनाइट से 47% आता है और 45% जो आता है वो लिक्विड से आता है। तो उस पे खास करके ओवरनाइट पे तो काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जो भी उनको रिटर्न्स जो भी इन्वेस्टर्स को मिलता है, क्योंकि वो एक दिन का लिए वो लगाते थे, तो एवरी डे जो उनका रिटर्न था उसमें जो वो रिडक्शन होगा वो करीब 39% तक का रिडक्शन हो जाएगा उनके जो भी रिटर्न्स मिलता था उसमें। फ्लोस के ऊपर असर पड़ेगा। इसके अलावा मैं ये भी पढ़ रहा था कि पहले बायो एंड सेल दोनों पर ये ड्यूटी लगा करती थी और अब इससे एक्सचेंजेस ड्यूटी को कलेक्ट करेंगे और इससे फायदा होगा इन्वेस्टर्स का भी। आप कैसे देख रहे हैं इस कदम को? जी अगर कोई इक्विटी साइड में करते हैं तो उसको कोई परेशानी नहीं है, मतलब कि जो भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, जो भी शॉर्ट टर्म के लिए जो लिक्विड और ओवरनाइट में जो करते हैं उनके रिटर्न्स पे उस अच्छा खासा नेगेटिव रिटर्न मतलब कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो वो उनको ऐसा लगेगा कि पैसा वो क्या कहते हैं बैंक में रखे, एफडी में रखे या फिर वो म्यूचुअल फंड में लगाए, वो थोड़ा उनको सोचना पड़ेगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बासिंग साहब समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दीवान, इक्विटी में इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है और वो कैसे देख रहे हैं इस स्टैंप ड्यूटी के नए नियमों को? दीवान साहब आपकी टिप्पणी। आई थिंक ये रैशनलाइजेशन जो है ये पॉजिटिव है, मतलब इसका इंपैक्ट तो न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि ये जो स्टेट्स में जो डिस्पैरिटी थी कि कहीं कम है कहीं ज्यादा है वो अब जो समांतर लेवल पे जो आ गया है वो होगा। मुझे नहीं लगता इससे कोई हमारे वॉल्यूम्स पे या बिहेवियर पे कोई इम्पैक्ट रहेगा इस टाइप की ड्यूटी, और वो नॉमिनल है, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने की वजह से आदमी इससे कतराएगा नहीं कि ये होने की वजह से मैं कम ट्रेड करूंगा या कुछ सौदे कम डालूंगा, वैसा कुछ है। लेकिन काफी ईज हो जाएगी ब्रोकिंग कम्युनिटी के लिए जो आपको फैसिलिटेट करते हैं, और ब्रोकिंग वाला जो बिजनेस है, जो सेगमेंट है, सेक्टर है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी लिस्टेड कंपनीज है, कभी विस्तार में उस पर बात करेंगे, बट उनके लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि हर जगह यूनिफॉर्म हो गया, कोई झंझट की बात जो है वो नहीं। इसके ऊपर भी नजर होगी सर, एक आध हिंट दे दीजिए।